केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड युवा मोर्चा के सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का एक अलग अंदाज देखने को मिला। इस एक दिवसीय कार्यशाला में जब कल्पना पहुंची तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। उन्होंने नमस्कार, जोहार, आदाब कहा। कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिशोम गुरु और कल्पना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारे इतने गूंजे कि कल्पना एक बार फिर भावुक हो गई। कल्पना सोरेन ने टिश्यू पेपर से आंसू पोंछे, फिर पानी पिया और मुट्ठी बांधकर झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड रुकेगा नहीं का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा, जिन्होंने झारखंड की जनता पर अत्याचार किया, अब उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। इस चुनाव में कार्यकर्ताओं को वो 5 महीने याद रखने चाहिए जब आपके हेमंत दादा जेल की सलाखों के पीछे बंद थे। हमें याद रखना चाहिए कि झारखंड को झुकाने के लिए विपक्ष और केंद्र में बैठी सरकार ने क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने झारखंड को लूटा, यहाँ के लोगों के अधिकारों पर हमला किया गया। 2019 में जिस दिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने उसी दिन से भाजपा ने सरकार गिराने की साजिश रची। जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। जब जब सीएम हेमंत जेल से बाहर आ गए हैं तो झारखंड का हर व्यक्ति मजबूत हो गया है। हेमंत सोरेन लगातार राज्य के हित में काम कर रहे हैं। इस चुनाव में हमें कुछ ऐसा करना है कि विरोधियों की जमानत ही ना बचे। कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं के बहाने चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर नाम लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता नेता बनाते हैं, कार्यकर्ता जीत दिलाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना के सम्मान की रक्षा करता है, रहता है। झामुमो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यही कारण है कि नेता भाग जाते हैं लेकिन एक भी कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ता। हमें भी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथ खड़ा होना है और पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस कार्यक्रम को मंत्री हफीजुल अंसारी, मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, तमाड़ विधायक विकास मुंडा, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह के अलावा महालाल सोरेन और कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिलीप मंडल ने की। इधर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंडी कभी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। वहीं तमाड़ विधायक ने विपक्ष को गिद्ध करार दिया। इस दौरान कोलेश्वर सोरेन, फरदीन अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।